वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे डीएमभीबी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन पक्षर जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर ब्लॉक अंतर्गत पुराण ओडापड़ा स्थित संकेत मंडप परिसर में एक जातीय स्तरीय सम्मेलन अनुष्ठित हो जाएगी। असहाय गरीब एवं विधवा महिला मानक स्वावलंबी करने सहित सेमानकर आर्थिक अभिवृद्धि पाई एहि संस्था अहर भाव कार्य करुथिबा बेले सारा देश में आगामी दिन में वृक्षरोपण ग्राम्य उन्नयन एवं रक्तदान भली सामाजिक कार्यक्रम सामिल हेबो बोली सूचना देछंती। संस्थार प्रतिष्ठाता दुलाल मुखार्जी तेबे एहि सम्मेलन में बाहर राज्यर तथा ओडिशार प्रत्येक जिलार महिला और पुरुष प्रतिनिधि माने शताधिक संख्यार जोग देथिले। ये हमारी संस्था डीएमबीपी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन जो आज से विगत 1.5 वर्ष पूर्व हमारा मैन पावर को खड़ा करने के लिए भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट के नाम से हमने गठन किया था, जो विगत 6 जुलाई 2022 को हमने डीएमबीपी भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन के नाम से भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय से हमने इनको पंजीकृत किया। उसके बाद में हमारी संस्था जो है ज़रूरतमंद बेरोजगार बेसहारा लाचार विधवा माताओं बहनों के लिए हम जो है कि सेवा सुरक्षा सहयोग की प्रतिज्ञा लेते हुए महिला उत्थान के लिए समर्पित हो करके हम संपूर्ण भारत में हम उन ज़रूरतमंद माताओं बहनों के लिए हम आगे आए हैं, जिनके लिए आज सरकार भी पीछे हटती है, शासन प्रशासन भी पीछे हटती है। ऐसे माताएं बहनें हमारे क्षेत्र में हमारे आसपास में हैं जिनको प्रॉपर तरीके से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है, उनके साथ शोषण होता है। कई ऐसे हम लोग जो हैं कि कई ऐसे NGOs हैं जो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया में बात करते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म पे बात यूट्यूब पे बात करते हैं, हमारा जो है कि वीडियो आता है सोशल मीडिया में, पोस्टेड लिखते हैं, अपने बैनर पे लिखते हैं, लेकिन क्या वाकई हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं? नहीं। महिला सशक्तिकरण पे हम काम तभी कर पाएंगे जब उन माताओं बहनों के लिए हम कुछ करें, उनको एक रोज़गार का स्रोत हो, उनको 2 रुपये का आमदनी हो, इनकम हो। तो हमारी संस्था ने एक अच्छे सोच के साथ अच्छे विचार के साथ में हम आगे आए हैं और उड़ीसा ही नहीं संपूर्ण भारत में हमारा कार्य चलता है और हम इसी लक्ष्य के साथ में जो ज़रूरतमंद माताओं बहनों के रोज़गार पे भी हम लोग काम करते हैं। SSG समूह का गठन कर हम अपने ही पोर्टल पे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर में DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन के नाम से अवेलेबल है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उनको हम छोटे छोटे पार्ट पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग के साथ में जोड़ते हैं और हमारा इन फ्यूचर बहुत सारा प्लानिंग भी है जो हम उन माताओं बहनों के लिए जो है कि हमारा जो उद्देश्य है और भी बहुत सारा रक्तदान है, पौधारोपण है, हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, वुमेन प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों पे धीरे 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 हम वर्क कर रहे हैं और आज मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ पूरे उड़ीसा टीम को और उड़ीसा टीम के हमारे लीडर हमारी सरस्वती साहू मैडम और हमारे असिस्टेंट स्टेट इंचार्ज हमारे चितरंजन मिसवाल जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मो नाँ हूँ सरस्वती साहू ओडिशा स्टेट इंचार्ज के संस्था सहित कम कले 1 वर्ष हो गलान ये संस्था जोड़ित अच्छे पहला आम भारतीय महिला शक्ति ट्रस्ट आम संस्थार नाँ थी से आम जोड़ी कर DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन आम फाउंडेशन एक आम पहला हिचे आरंभ बरगढ़ जिला बरगढ़ जिलानु आरंभ हो करी आम तापर इहादे अलरेडी 6 जिले में काम होबार लगी स्टार्ट हो 6 जिला होबार लगी जाए बोले आम इतिर अच्छे पूरी जिला जगत सिंहपुर जेनटा कि आज मीटिंग होचे सबुठू बड़ मीटिंग आम बोर्ड मीटिंग आम जगत सिंहपुर अच्छे तापर आम नुआपड़ा अच्छे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट अच्छे ये सब जिले में आम काम आरंभ मैडम कितने महिला को आप स्वावलम्बी कर पार्टी बहुत आम 7,000 SHG माँ मैंने आम सामिल अच्छे आमर इतने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पंचायत कोऑर्डिनेटर आउ गाँव साथी एक आम टीम गठन कर 8 राज्य पे हमारा संगठन चल रहा है सर।
आठ राज्य और उड़ीसा में हमारा जो है कि आठ जिला पे काम चल रहा है। उड़ीसा राज्य की यदि बात करेंगे तो आठ जिला पे काम चल रहा है और राज्य की बात करेंगे तो आठ राज्य पे काम चल रहा है। आगे क्या सोच के रखें आप? आगे का हमारा अभी जो हमारा उद्देश्य जो चल रहा है ये तो हमारा कंटिन्यू लाइफ टाइम तक चलेगा। हमारा एक अलग से विचारधारा है कि हम एक संस्था संगठन चला तो जरूर रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारी माताएं बहनें हैं, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो योजना है, ये कभी लैप्स ना करे और लाइफ टाइम तक चले। हमारे साथ में जो माताएं बहनें हैं वो लाइफ टाइम तक प्रीपेड रहे, 10 रुपए कमाए, 2 रुपए कमाए, लेकिन रोज कमाए और लाइफ टाइम तक कमाए। थैंक यू। जगतसिंहपुर प्रताप कुमार सिंह का रिपोर्ट मेघाटी।